नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल UK वीडियो वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हैं फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर। आज जिस बिजनेस आइडिया के बारे में हम आपको बताएंगे वो है आधार कार्ड फ्रेंचाइजी। तो कैसे आप आधार कार्ड फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और इससे जुड़ी समस्त जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आधार कार्ड फ्रेंचाइजी के लिए लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा। तो आधार कार्ड फ्रेंचाइजी जो है वो एक सरकारी काम की तरह है, तो गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ उन लोगों को देती है जिसके पास इसका लाइसेंस होता है। और ये जो लाइसेंस है वो किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, बल्कि इसके लिए जो है आपको एक परीक्षा पास करनी होती है। और जो परीक्षा का आयोजन है वो UIDAI के द्वारा कराया जाता है। तो UIDAI जब वो परीक्षा कराती है और अगर उसमें आप पास होते हैं तो फिर उसका एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, जिसे UIDAI सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। और इस सर्टिफिकेशन के बाद भी आपको अपना आधार कार्ड और बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है वो करवाना जरूरी होगा। इसके लिए CSE सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब आपको बताते हैं कि मतलब जो फुल प्रोसेस है लाइसेंस लेने का वो क्या होता है, कैसे आप आधार कार्ड फ्रेंचाइजी का जो है लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया कि इसके लिए आपको सबसे पहले एक परीक्षा देनी होगी और उसको पास करना होगा। तो जो लाइसेंस है उसके लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको NSEIT की आधिकारिक जो वेबसाइट है वहां पर जाकर क्लिक करना होगा। अब जब आपने आधार कार्ड की जो सॉफ्ट कॉपी है वो अपलोड कर दी तो इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं उसको आपको फिल करना होगा। और सारी जानकारियों को फिल करने के बाद इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना होगा। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक SMS आता है और उसमें एक यूजर ID और पासवर्ड दिया हुआ होगा। अब उस यूजर ID और पासवर्ड का यूज करके आपको आधार टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की वेबसाइट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने जो है लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सभी जानकारी के साथ ही अपनी एक फोटो और अपने डिजिटल सिग्नेचर आदि को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद लास्ट में ये सब करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये तो बात हुई कि लाइसेंस के लिए आपने कैसे आवेदन करना है। नेक्स्ट बात आती है कि आधार कार्ड फ्रेंचाइजी अगर आपने लेनी है तो उसकी फीस क्या होगी। अब आधार कार्ड जो है जब नया नया आया था तो उस दौरान आधार कार्ड खोलने के लिए सरकार जो है लोगों से कुछ भुगतान करवाती थी, लेकिन अब सरकार ने आधार सेंटर खोलने वाले व्यक्ति को मुफ्त सुविधा दे दी है, यानी कि बिना कोई भुगतान करे आप आधार कार्ड फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि देश में बहुत सारी जगहों पर जो है आधार सेंटर मौजूद हो जाएं और उससे संबंधित काम जो है लोग इजीली अपने नज़दीकी आधार सेंटर से करवा सकें। अब बात आती है UIDAI जो परीक्षा है उसको देने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जब आपको लाइसेंस के लिए जो है आपने आवेदन कर दिया तो इसके बाद आपको परीक्षा के बारे में पता करना होगा। इसकी जो जानकारी है वो आपको NSEIT की वेबसाइट से मिल जाएगी। जानकारी जो है लाइसेंस के लिए आवेदन करने के यानी जो वो फॉर्म आप फिल करेंगे उसको फिल करने के 48 घंटे के बाद जो है आपको जानकारी इस बारे में मिल जाएगी। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा किस दिन होनी है, कौन सी तारीख में होनी है, क्या समय होना है, एडमिट कार्ड वगैरह सबके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसमें आप अपना जो सेंटर है यानी परीक्षा का जो सेंटर है वो खुद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उस तारीख दिन और टाइम में जो है जाकर परीक्षा दे सकते हैं। और जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो फिर आपको इसका सर्टिफिकेट जो है वो आपके घर पे ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो है आप अपना आधार सेंटर जो है खोल सकते हैं। अब बात आती है कि आधार सेंटर में आधार कार्ड जो सेंटर आप खोलेंगे उसमें क्या क्या काम किए जाते हैं। तो उसमें कई तरह के काम होते हैं आधार कार्ड से रिलेटेड, जैसे कि किसी का नया आधार कार्ड बनाना है या किसी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर गलत है तो उसको अपडेट करना है। अगर किसी की फ़ोटो सही नहीं आई है तो उसको चेंज करना है, या किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो उसको अपडेट करना है, या किसी की ईमेल आईडी वगैरह को अपडेट करना है। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो है आधार कार्ड से रिलेटेड आधार कार्ड सेंटर में आपको करने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने आधार कार्ड सेंटर खोलना है तो वहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की यानी किन किन इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आधार कार्ड खोलने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें आपका आता है कम से कम आपको 2 कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी,
पड़ेगी, वेबकैम की जरूरत पड़ेगी, प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, रेटिना आयरिस स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, फिंगरप्रिंट स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही एक मीडियम साइज का आपको कमरा या शॉप लेना होगा जहां पर आप अपना आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं। उसके अलावा आपको एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट कनेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। तो ये तो रही बात उन चीज़ों की जो आपको आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं आधार कार्ड की जो फ्रेंचाइजी आप लेंगे उसमें आपका कितना खर्च आएगा, यानी कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आधार कार्ड फ्रेंचाइजी जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्री कर दी है, तो आपको कोई भुगतान तो नहीं करना है, लेकिन जो आप अपना आधार कार्ड सेंटर में इक्विपमेंट्स जो भी लगाएंगे उसमें आपको खुद से ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो आपको गवर्नमेंट की ओर से नहीं मिलेंगे। तो लगभग 1 लाख के आसपास जो है आपको इसमें निवेश करना पड़ सकता है। और अगर आप कम से कम पैसों में जो है अपना आधार कार्ड सेंटर खोल लेना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इक्विपमेंट जो है आपने सेकेंड हैंड ले लिए, उससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ेगी आधार कार्ड सेंटर खोलने में। इसके बाद बात आती है आधार कार्ड फ्रेंचाइजी अगर आप खोल लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट क्या है। तो आधार कार्ड फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप महीने के लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये की कमाई जो है वो इजीली कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो है इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो गांव वाले मतलब जो एरियाज हैं वहां पे भी ये बिजनेस करना जो है फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अब आप इसको ये चाहे शहर में खोलें या गाँव में, हर जगह जो है आधार कार्ड से रिलेटेड काम जो है लोगों को कराने ही होते हैं, तो आप कहीं पर भी इसे जो है खोल सकते हैं। और अगर आपको इससे जुड़ी, इस बिज़नेस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए या किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार आधार कार्ड फ्रेंचाइजी लेने के बारे में सोच रहा है तो आप उनसे जो हमारा ये वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी जो है इससे कुछ हेल्प मिल सके। और इसी तरह के नए नए बिज़नेस आइडियाज़ जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।